ले लो खत्म। अस्सलाम वालेकुम, मिनाज़ुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया के दे रहे तमाम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इस ज़मन में कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी साहब बानी व सरपरस्त आला मिनाज़ुल कुरान इंटरनेशनल का इस माह 7 जनवरी को दौरे हिंदुस्तान होने वाला है और उसके प्रोग्राम्स को खतैयत दे दी गई, फ़ाइनल हो चुके हैं प्रोग्राम्स। उस प्रोग्राम्स की प्रेस रिलीज़ के लिए आप हज़रात को यहाँ दावत दी गई। यहाँ केरला से आए हुए हमारे मिनाज़ुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया के डायरेक्टर हैं आप जनाब अमानुल्लाह पटेल साहब, आप यहाँ खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए। मिनाज़ुल कुरान के ज़ेर अहतमाम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह ताला शबे मिलाद बेंगलोर में मुनक़िद होंगी, बेंगलोर पैलेस ग्राउंड में मुनक़िद होंगी। ये तारीख़ हिंदुस्तान की ऐसा माना जा रहा है कि तारीख़ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिलाद कॉन्फ्रेंस होगी, सबसे बड़ा मिलाद का जलसा होगा। इसमें लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के है और इस मिलाद कॉन्फ्रेंस के अंदर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी बानी व सरपरस्त आला मिनहाजुल कुरान का खुसूसी खिताब फ़ाइनल हो चुका है। हज़रत 7 जनवरी को हिंदुस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, मुंबई में 7 जनवरी को तशरीफ़ ला रहे हैं। 9 जनवरी को मुंबई में एक प्रोग्राम है इंटरफेथ पीस हारमोनी के नाम से, कि उसमें बैन मज़ाहिब लोग आएंगे, बैन मज़ाहिब पेशवा उसके अंदर शिरकत करेंगे, जिसमें हिंदुज़म के पेशवा है, पुजारी हजरात है, पंडित है, ऋषि हजरात है, और बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखने वाले उनके मजहबी पेशवा है, और क्रिश्चियन के फादर्स है, प्रीस है, और बुद्ध सिक्स के गुरुज़ है, और फिर ये जो मजूसी होते हैं उन अफराद के भी ये मजहबी पेशवा आने वाले हैं। और ये प्रोग्राम 9 जनवरी को मुंबई में सुमैया ग्राउंड में होगा। इस प्रोग्राम का मकसद ये कि हिंदुस्तान में जो आपसी हमांगही ख़त्म हो चुकी है हिंदुस्तानी कौम के लोगों में, हिंदू मुसलमान भाईचारगी, हर मज़हब का आदमी इंसान है, इस पैगाम को देते हुए अमन और सलामती का पैगाम दिया जाने वाला है इस कॉन्फ्रेंस में। और इस कॉन्फ्रेंस में खुसूसी दुआ होगी, हर मज़हब का फ़र्द अपने अपने मज़हब के तरीक़े के अतबार से इस प्रोग्राम में हिंदुस्तानी अमन बिलखसूस और बिलुमूम दुनियावी अमन और सलामती के लिए इसमें दुआ करेंगे। उसके साथ फिर शेखुल इस्लाम का ये जो दौरा है, 1 माह 4 दिन का दौरा है, 1 मंथ 4 डेज का दौरा रहेगा। ये महीने मुकम्मल इस दौरे में शेखुल इस्लाम के 9 स्टेट्स को विज़िट है, 9 सिटीज़ जा रहे हैं, जिसमें मुंबई है, बेंगलोर है, दिल्ली है, और अहमदाबाद है, कोलकाता है, चेन्नई है, और अजमेर है, और कानपुर है। इस तरह बड़े जो प्रोग्राम्स होंगे, पब्लिक मीटिंग्स जो होंगे, जलसे आम जिसे कहा जाता है, वो बेंगलोर में तो आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस जो सबसे बड़ा मरकज़ी प्रोग्राम है मिनाज़ुल कुरान का, उसके अलावा मुंबई में 11 जनवरी को प्रोग्राम मुनक़िद किया जाने वाला है, 9 जनवरी का जो प्रोग्राम है वो तो इंटरफेथ प्रोग्राम है, यानी उसमें बैन मज़ाहिब लोग आएंगे। ये जो पब्लिक मीटिंग है ये जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुंबई की महाराष्ट्र की तंजीम ऑर्गेनाइज कर रही है, वो 11 जनवरी को है, और फिर वो भी सुमैया ग्राउंड में है। 9 जनवरी का जो प्रोग्राम है वो भी सुमैया ग्राउंड में है, 11 जनवरी का प्रोग्राम भी सुमैया ग्राउंड में है। उसके बाद फिर वहाँ से बेंगलोर आएंगे, बेंगलोर में 13 जनवरी को यानी जो शबे मीलाद होगी, वो शबे मीलाद का जो मरकज़ी प्रोग्राम रहेगा वो 13 जनवरी को पैलेस ग्राउंड बेंगलोर में होगा, पैलेस ग्राउंड बेंगलोर में, जिसकी तफसीलात आप हजरात को प्रेस रिलीज़ में दी गई। और 20 जनवरी को फिर श्रीनगर में प्रोग्राम है, जम्मू एंड कश्मीर का जो इलाका है श्रीनगर, श्रीनगर जो कैपिटल है, उसमें शेखुल इस्लाम का जलसे आम होगा हज़रत बल की दरगाह में, दरगाह हज़रत बल में शेखुल इस्लाम का प्रोग्राम होगा। फिर 24 जनवरी को कानपुर में शेखुल इस्लाम का जलसे आम है, कानपुर यूपी का जो इलाका है, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है कानपुर, वहाँ पर अच्छे वसी तरह इंतजाम किए जा रहे हैं। 29 जनवरी को फिर अहमदाबाद, गुजरात का जो कैपिटल है अहमदाबाद, वहाँ पर प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। 2 फरवरी को चेन्नई में प्रोग्राम होगा, उसके बाद फिर 6 फरवरी को कोलकाता में प्रोग्राम होगा। इस तरह शेखुल इस्लाम के 7 बड़े लेक्चर्स होने वाले हैं हिंदुस्तान भर में, जिसमें से 5 नए शहर इसमें ऐड किए गए हैं,
गुज़िश्ता जो है गुजरात भी, गुजरात का एक इलाक़ा है बड़ौदा, वहाँ भी गए थे, कच्छ गए थे, हैदराबाद आए थे, लेकिन इस बार जो पहले जो सिटीज़ को जा चुके हैं उन सिटीज़ को कम तरजीह दी गई बनिस्बत इसके कि जो सिटीज़ को पहली बार जाना है। ये एक 10-15 साल से लोगों का मुतालबा था कि वो उनके सिटीज़ को आएँ, तो अहमदाबाद वाले भरपूर नुमाइंदगी किए इस ज़मन में, और दीगर सारे जो सिटीज़ ऐड हुए वो लोगों की पूरी ख्वाहिश के ऊपर शेख उलइस्लाम ने ये शेड्यूल तय किया है कि ये 9 सिटीज़ को जाएंगे, जिसमें से 5 सिटीज़ नए हैं। बेंगलोर और मुंबई पहले भी जा चुके हैं, अजमेर पहले भी जा चुके हैं, अजमेर दरगाह में कोई प्रोग्राम तय नहीं है, वहाँ सिर्फ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी का प्रोग्राम। उसके साथ दिल्ली में जो प्रोग्राम होगा, दिल्ली में ये इंटेलेक्चुअल्स के लिए, जजेस के लिए, वकला के लिए, डॉक्टर्स के लिए और कुछ ब्यूरोक्रेसी के अहदेदारान के लिए कुछ मखसूस प्रोग्राम्स होंगे। ये आवामी प्रोग्राम्स नहीं होंगे, ये मखसूस इंटेलेक्चुअल्स के लिए है। ये JNU में एक प्रोग्राम है और इंटरनेशनल सेंटर में एक प्रोग्राम है, इस तरह जामिया यूनिवर्सिटी में भी एक प्रोग्राम तय पाया है। तो ये आवामी प्रोग्राम्स नहीं है, ये प्रोग्राम्स इंटेलेक्चुअल्स के लिए दिल्ली के जो है। उसके अलावा इस दौरे में शेखुल इस्लाम के मिनहाज नॉलेज सिटी का एक प्रोजेक्ट है, जो मिनहाज कुरान इंटरनेशनल इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। वो तकरीबन एक बड़ी ज़मीन है, 10-12 एकड़ की ज़मीन पर वो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है मिनहाज नॉलेज सिटी के नाम से। उस मिनहाज नॉलेज सिटी में खसूसियत ये रहेगी कि उसमें शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल खादरी साहब का जो बनाया हुआ निसाब है, एजुकेशन पैटर्न जो उनका बनाया हुआ है, वो एजुकेशन पैटर्न के हिसाब से उसके अंदर बच्चों को तालीम दी जाएगी, तो उन्हें तैयार किया जाएगा ताकि वो दोनों मैदानों में अपनी पूरी सलाहियतों का इस्तेमाल कर सकें, दीनी और दुनियावी मैदान। ये शेख और एक इसके अंदर ख़ास बात ये रहेगी कि तसव्वुफ़ के ज़रिए स्पिरिचुअलिज़म की, रूहानियत की भी तालीम इस मिनहाज नॉलेज सिटी के ये हमारे प्रोजेक्ट में शामिल है। इसका फाउंडेशन स्टोन शेखुल इस्लाम 12 रबीउल अव्वल को बैंगलोर में रखेंगे। ये प्रोग्राम, ये जो नॉलेज सिटी बनने जा रही है वो बैंगलोर में है, उसका फाउंडेशन स्टोन 12 रबीउल अव्वल को बैंगलोर में रखेंगे। वो बस लेने के आप जी, हैदराबाद का इस मरतबा कोई प्रोग्राम नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि इस बार तरजीह नए शहरों को दी गई, उस बुनियाद पर हैदराबाद को इस मरतबा शेखुल इस्लाम नहीं आएंगे, हैदराबाद में कोई प्रोग्राम नहीं है। अलबत्ता ये जो 13 जनवरी का प्रोग्राम होने वाला है, आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है, इस प्रोग्राम में हैदराबाद से जो लोग आने की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए आंध्र प्रदेश की कमेटी की जानिब से ये एक एफर्ट किया गया, ये कोशिश की गई कि उनको वहाँ तक सवारी वगैरह का इंतज़ाम करके ले जाया जाए। मगर इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि वो फ्री उनको ले जाया जाएगा, उसके लिए बाबता चार्जेस रखे हुए हैं, उनको 2 टाइम का उसके अंदर खाना दिया जाएगा, वो चार्जेस वो पैकेज बना दिया गया, वो पैकेज जो पे करके ख्वाहिशमंद हजरात चलना चाहते हैं उनके लिए हम APS RTC से उसका टाई अप किए हैं। वो APS RTC के ज़रिए ये एक प्रोग्राम शेड्यूल हुआ, ये 12 के दिन रात में निकलेंगे और फिर 13 के दिन जैसे जलसा ख़त्म होगा, जलसा ख़त्म होने के 2 घंटे के बाद वहाँ से बस वापस हैदराबाद आ जाएंगे। स्पेशल बस रखते हैं सर जी, चाहिए था बुकिंग्स हुए क्या अभी कितने जी बुकिंग्स कितने बुकिंग्स अभी आज से शुरू हुई है, क्योंकि चांद का मसला था, चांद के दिखने का। रबीउल 12 की जो 11वीं की रात होगी, 11 रबीउल अव्वल की, वो किस दिन आएगी वो खतई नहीं था, तो उसके एतबार से आज से बुकिंग शुरू हो गई है। अब मीडिया के जरिए कुछ अगर वो लोग आवाम को बोलना चाह रहे हैं कब से कब तक पैगाम दूंगा कि मिनहाज कुरान का जो ऑफिस है अमीरा मंजिल पुरानी हवेली पर, वहाँ पर हमारे आंध्र प्रदेश कमेटी के नायब सदर साहब जनाब सैयद अब्दुल रशीद खादरी साहब बुकिंग्स ले रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक बुकिंग्स जारी है। जो कोई हेल्पलाइन है क्या, कोई नंबर हजरत, हेल्पलाइन भी नंबर भी है, 1-800 हेल्पलाइन नंबर ये है 2452-22451, 0402-45-22451, ये यहाँ ऑफिस का नंबर है, इससे रब्ता करके जो हजरात ख्वाहिशमंद है कि बेंगलोर यहाँ पे मीलाद, ये काफिले को हमने एक नाम दिया है मीलाद काफिला, उसमें शामिल होकर जो हजरात चलना चाहते हैं उनके लिए एक सहूलत है। हैदराबाद में कोई प्रोग्राम नहीं है, हैदराबाद में तशरीफ ला रहे हैं। इतने मैंने प्रोग्राम शेड्यूल बताए हैं, 7 जो प्रोग्राम्स है लाइव में टेलीकास्ट किए जाएंगे, 7 बड़े जो प्रोग्राम्स है जिसमें आलमी मीलाद कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, इंटरफेथ डायलॉग जो होने वाला है मुंबई में, जो बैन मजाहिब पीस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अमन कॉन्फ्रेंस बैन मजाहिब, तो लाइव कहाँ पर ये होने वाली है, इसकी लाइव टेलीकास्ट होंगी क्यू टीवी
लाइव टेलीकास्ट करने के लिए वो टीम आ रही है, और ई टी वी उर्दू इंडिया के चैनल्स में ई टी वी उर्दू वालों ने रब्ता किया है, ई टी वी उर्दू से लाइव टेलीकास्ट देगा। और उसके साथ साथ मिनहाज टीवी हमारा एक ऑफिशियल चैनल है जो इंटरनेट पे चलता है, उसके भी लाखों व्यूवर्स है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, इंटरनेशनली चैनल है वो, उस पर भी लाइव टेलीकास्ट के प्रोग्राम्स, 7 मुकम्मल प्रोग्राम्स लाइव टेलीकास्ट होंगे। और फिर वो ई टी वी वालों का खुद अपना इंटरेस्ट था और क्यू टी वी वालों का भी खुद अपना इंटरेस्ट था, इसमें मिनहाज कुरान की किसी कसम की उनको दावत नहीं दी गई, बट उनका इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट के ऊपर वो आ रहे हैं, वो लाइव टेलीकास्ट पब्लिक को देकर पैगाम पहुंचाना चाहेंगे। और मेरी आप इस मीडिया के इस प्रोग्राम से ये दरख्वास्त है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं आवाम से भी दरख्वास्त करता हूँ, मैं न्यूज़ वाला के ज़रिए आप हजरात ख़वातीन हजरात बिला लिहाज मजहबों में दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाएँ, लाकर भाईचारगी अमन मोहब्बत की बातें जो है उससे इस्तेफादा करें। और ये इंटरफेथ डायलॉग जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें तो दरख्वास्त है कि हिंदू भाइयों से भी हमारी दरख्वास्त है, सिख भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से, हर हिंदुस्तानी से हमारी दरख्वास्त है कि ये प्रोग्राम्स में आए ताकि कम्युनल हार्मनी बिल्ट अप हो सके हिंदुस्तान की सरजमीन पे। हमारे प्रोग्राम्स का, हमारी तंजीम का यही मकसद है।